जीत पर शिवपुरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने माधव चौक चौराहे पर मनाया जश्न। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में भाजपा की जीत हुई है। पंजाब को छोड़ सभी राज्यों में भाजपा को भारी बढ़त मिली। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बंपर जीत मिली है। यूपी में बड़ी जीत से बिहार बीजेपी के कार्यकर्ता खासे उत्साहित हैं। शिवपुरी में जुलूस निकालकर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। अप्रत्याशित जीत मिलने पर भाजपा खेमे में उत्साह है। शिवपुरी में भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर जश्न मना रही हैं। महिला कार्यकर्ताओं का उत्साह 7वें आसमान पर है। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं का उत्साह भी देखते बन रहा है। वहीं सभी भाजपाइयों ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया, मिठाइयां भी खिलाई। जो भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ जो प्रचंड बहुमत पूरे 4 राज्यों में पाया है, उसके प्रति जो उत्साह और जो उमंग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में, उसके लिए आज हम सब जने शहर के हृदय स्थल माधव चौक पर एकत्रित होकर ये जश्न मना रहे हैं। यूपी में, गोवा में, उत्तराखंड में और मणिपुर में आम आदमी पार्टी का आना एक संयोग है, जो कि किसान आंदोलन का जो प्रोपेगेंडा पूरे भारत में गढ़ा गया था उसका केंद्र था पंजाब। और निश्चित ही आने वाले चुनाव में ये सबके सामने आएगा किस प्रकार से वो प्रोपेगेंडा पंजाब में चला। लेकिन आने वाले चुनाव में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार दोबारा बने, केंद्र में बनेगी, तो जो षड्यंत्रकारी है और जो एक्सीडेंटल सरकार बनी है पंजाब में, उस वो भी सबके सामने एक्सपोज होगी। जी पंजाब आप वोट परसेंट रेशो देखिए, पहले भाजपा का वोट परसेंट रेशो क्या था और नरेंद्र मोदी जी के प्रवास के बाद में, उनके रैलियों के बाद में भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट बढ़ा है। निश्चित कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो हमारी कमी है उसमें हम सुधार करेंगे और आने वाले चुनाव में हम अपना वोट परसेंट और सत्ता में काबिज होंगे पंजाब में। उसके लिए चिंतन करेंगे, क्या कमियां रही, क्या दिक्कत आई, उसके लिए वरिष्ठ नेता हमारे चिंतन करेगा आगामी। तो आपको वही तो बता रहा, जो किसान आंदोलन, जो टिके राकेट टिके जैसे लोग वहाँ पे जो गढ़ बनाए हुए थे, उसका कहीं ना कहीं परिणाम था जो हमें मिला। लेकिन आने वाले चुनाव में जब जनता के सामने सब स्पष्ट आएगा किस प्रकार से राकेट टिके जैसे लोगों ने वहाँ पे प्रोपेगेंडा अपना बाकी जनता को बलगलाया और किस प्रकार से सरकारी प्रधानमंत्री जो योजनाएँ चलाई गई थी उसका दुष्प्रचार किया, आगे सबके सामने आएगा।